नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूत है। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लिवर कैंसर के बारे में। लिवर कैंसर क्या होता है, किसको लिवर कैंसर की बीमारी हो सकती है, और ये लिवर कैंसर के बीमारी के लक्षण्स या सिम्टम्स क्या होते हैं, और ये ट्रीटमेंट सही समय पर हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक लिवर कैंसर के बारे में आपको बताने वाला हूं। जो आपको डिटेल में चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पहले ये जानते हैं कि लिवर कैंसर होता क्या है। पहले तो कैंसर होता क्या है, तो कैंसर मतलब ऐसा कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या बाहर का आया हुआ कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई नहीं होता है। कैंसर का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, जो पेशी हैं, वो एक एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक फैमिली का हेड होता है जो, या किसी भी इंस्टीट्यूट का एक हेड होता है, वो सब इंस्टीट्यूट या फैमिली को मैनेज करता है, फैमिली को कंट्रोल करता है। और जब वो हेड को ही कुछ हो जाता है, हेड ही को कोई बीमारी हो जाती है या हेड को ही निकाल दिया जाता है, जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं वो लोग किसी की सुनते नहीं है, और जिसको जो चाहे, जो मन में आए वैसे वो बिहेव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सिमिलरली जो हमारे बॉडी की जो सेल रेगुलेशन सिस्टम है, जो भी सेल डेथ होता है और नया सेल फॉर्म होता है, वो कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। और वो जब सिस्टम बिगड़ जाता है, तो बिगड़ने के कारण उसके डीएनए में या जीन में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं कि जिसके वजह से उस ऑर्गन का या उस एरिया का जो सेल्स हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, और वो उनकी जो ग्रोथ है वो एक एबनॉर्मल तरीके से होती है। उसको कंट्रोल करने वाला हमारे बॉडी में कोई नहीं रहता है, और वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वो बढ़ते हैं, और वो एबनॉर्मल बंच ऑफ एबनॉर्मल सेल को ही हम कैंसर बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आया होगा कि कैंसर का मतलब क्या है। तो ऐसे ही लीवर कैंसर का मतलब है कि लीवर का जो सेल्स हैं, जो पेशी है, वो एक एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं कि जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होता है। उसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कोई ओबेसिटी है, फैटी लीवर है, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है, या कोई ड्रग्स जो आप रिपीटेडली खा रहे हो उसके कारण भी आपके जीन या डीएनए में चेंजेस हो सकते हैं, स्मोकिंग है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि जिसके वजह से ये लीवर कैंसर का रिस्क फैक्टर आपको हो सकता है, जिसके कारण आपको लीवर कैंसर हो सकता है। तो जब भी आपको लीवर का कैंसर डिटेक्ट होता है, तो नॉर्मली आपको जो आपके राइट साइड में, जो जहाँ पे लीवर होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको रेफर्ड पेन, मतलब राइट से आपको बैक तक भी पेन होता है, आपके कभी कभी शोल्डर को भी पेन हो सकता है। और ये सारी चीज़ें तभी होते हैं जब वो लीवर कैंसर एक साइज से या थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ने के कारण लीवर का जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच हो जाता है, या आपके लीवर के कैंसर के अंदर ब्लीडिंग होता है, तभी आपको ये सिम्टम आते हैं, या लीवर कैंसर लीवर के बाहर या जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जब ये स्प्रेड होता है, तभी आपको ये पेन प्रीडोमिनेंटली पेन सिम्टम्स आ सकता है। बाकी की जो सिम्टम्स है, जैसे कि नौजिया है, ओमिटिंग है, वीकनेस है, आपको खाने में दिक्कत होती है, बहुत सारा वेट लॉस होता है, वो जो बाकी कैंसर के जो कॉमन सिम्टम्स है वो लीवर कैंसर में भी आ सकते हैं। और जब ये कैंसर कभी कभार लंग्स में भी स्प्रेड होता है, बोन्स में भी स्प्रेड होता है, और तब आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, बोन पेन जैसे लक्षण्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे डायग्नोज करना है जब आपको लीवर कैंसर होता है, तो आपको कैसे डायग्नोज करना है और ये कैसे पता चलेगा? तो ये हैरान करने वाली बात है, जब भी लीवर कैंसर एडवांस स्टेज में होता है तभी आपको उसके लक्षण्स या सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
जब भी ये कैंसर बहुत छोटा होता है, लीवर के अंदर होता है, तब आपको कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हम डॉक्टर हमेशा बोलते रहते हैं कि जो भी जिसको भी रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, लीवर सिरोसिस है, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है, फैटी लीवर डिसीज़ है, उनको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको लीवर कैंसर के लिए आपको स्क्रीनिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि लगभग 3-5% रिस्क इन लोगों में जो नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है। जब आपको अर्ली स्टेज में लीवर कैंसर को आपको पकड़ना है तो आपको ये टेस्ट करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, और एक बात आपको ध्यान से सुनना है, आपको समझ लेना है, और जब भी ये कैंसर लीवर के 70% 70% एरियाज में स्प्रेड होता है, तभी उसके लक्षण्स या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, और बाय द टाइम ये डिटेक्ट होता है तब तक वो जो भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट या जो भी उसको ठीक करने की जो ट्रीटमेंट है, बहुत बार उसके उससे आगे जा चुका होता है। तो उसके पहले टेस्ट करना जरूरी है। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये लीवर कैंसर हो सकता है? तो दोस्तों, डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जो भी ट्यूमर मार्कर्स है, जैसे कि अल्फा फिटोप्रोटीन है, CA19-9 है, कभी कभार CEA बोल के भी टेस्ट है, वो भी करते हैं। उसके साथ जो रूटीन नॉर्मल टेस्ट है, जैसे कि हीमोग्राम है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, आपके किडनी फंक्शन टेस्ट है, PTINR है, और कुछ हेपेटाइटिस बी सी HIV वायरस के जो टेस्ट हैं वो भी आप के करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रासोनोग्राफी। जब अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आपका लीवर नॉर्मल है या नहीं है, या उसमें कुछ सस्पिशियस लीजन है। जब आपको कोई भी सस्पिशियस लीजन या सस्पिशियस मास या सस्पिशियस नोड्यूल आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर मिलता है, तब आपको सीटी स्कैन विथ IV कॉन्ट्रास्ट या MRI, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो आपको MRI भी हो सकता है। और जब MRI और सीटी स्कैन में यह कंफर्म होता है कि आपको लीवर का कैंसर है, तो आपको वो स्प्रेड हुआ है, लीवर के बाहर गया है या नहीं है, वो देखने की टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। उसको पेट स्कैन भी बोला जाता है। कुछ कुछ सेंटर में पेट स्कैन होता है, कुछ सेंटर में अभी भी चेस्ट का सीटी स्कैन और बोन स्कैन होता है। दोनों की सेंसिटिविटी लगभग सिमिलर है। तो इसी तरह से ये सारे टेस्ट करके डॉक्टर आपको लीवर कैंसर है या नहीं है, है तो वो लीवर के अंदर है या लीवर के बाहर गया हुआ है, उसकी जांच कर सकते हैं। 99% इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि लीवर कैंसर है, लीवर कैंसर नहीं है, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कभी कभार ऐसे भी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमें लीवर कैंसर की सस्पिशियस ज़्यादा नहीं होता है, और हमें समझ में नहीं आता, इतने सारे टेस्ट करने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है कि लीवर कैंसर है या नहीं है, तब हम लीवर बायोप्सी करते हैं। अदरवाइज लीवर बायोप्सी आज के डेट में प्रेफरेबली हम जो लीवर सर्जन्स हैं, लीवर एक्सपर्ट्स हैं, वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी बायोप्सी लीवर बायोप्सी करते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एप्पल लिया और एप्पल के अंदर आप जब नीडल डालोगे और नीडल बाहर आएगी, तो उसके साथ जो एप्पल का जो पानी है वो भी बाहर आएगा, और वो ट्यूमर से बाहर आके आपके पेट में, जैसे ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो सेल्स स्प्रेड हो सकते हैं। जो नीडल बाहर ट्रैक से बाहर आएगी, उसमें भी ये जो ट्यूमर के सेल्स हैं वो सीडलिंग हो सकता है, उसके अंदर बैठ सकते हैं, और रिकरेंस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इन शॉर्ट, मोस्टली हम लीवर बायोप्सी लीवर कैंसर को डायग्नोस करने के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे लीवर कैंसर स्प्रेड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी तरह से ये सारी टेस्ट करके जब लीवर कैंसर डिटेक्ट होता है, तो वो लीवर कैंसर ऑपरेबल है, ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट करके उसको बाहर निकाल सकते हैं या नहीं है, उसकी जांच होती है। नॉर्मल लीवर जब होता है और आपकी ट्यूमर एक लीवर के सेगमेंट में होती है, एक साइड पे होती है,
तो डेफिनेटली लीवर रिसेक्शन के जो बहुत सारे क्राइटेरियाज है उसमें फिट होता है, तो राइट हेपेटेक्टॉमी, लेफ्ट लैटरल हेपेटेक्टॉमी, राइट एक्सटेंडेड, लेफ्ट एक्सटेंडेड, ऐसे बहुत सारे सर्जरीज हैं जिसके जिससे आपका लीवर का सर्जरी हम कर सकते हैं, लेकिन लीवर आपका नॉर्मल होना चाहिए, रिसेक्शन के क्राइटेरिया में होना चाहिए। यदि आपको लीवर सिरोसिस है और लीवर सिरोसिस के जो स्टेज है वो थोड़ी सी एडवांस है, तो लीवर कैंसर को रिसेक्ट नहीं किया जा सकता, उसका ट्रीटमेंट लीवर ट्रांसप्लांट ही होता है। उसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि लीवर कैंसर का रिसेक्शन कैसे होता है, लीवर कैंसर का ट्रांसप्लांट कैसे होता है। थर्ड मोडालिटी जो लीवर कैंसर के लिए ऑफर होता है वो है एम्बोलाइजेशन, जिसको कीमो एम्बोलाइजेशन भी बोला जाता है। उसमें टेस, जिसका मतलब है कि ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जो लीवर की जो मेन नस है जहाँ से लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, वहाँ से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं वो लीवर या ट्यूमर के अंदर डायरेक्टली छोड़ते हैं, उसको टारगेटेड या डायरेक्ट थेरेपी बोलते हैं, और उसको बंद कर देते हैं। तो जो भी कीमोथेरेपिक एजेंट है वो वहाँ पे टारगेटेड कीमोथेरेपी या वहाँ पे उस एरिया पे ज़्यादा असर करता है और उसका साइड इफेक्ट बाकी के बॉडी पे नहीं होता है, उसको बोलते हैं टेस। जब टेस्ट पॉसिबल नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन है टेर, ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, जो पूरे जो ट्यूमर है उसको लोकली इरेडिएट किया जाता है। प्रोसीजर सिमिलर होती है, जो भी ऑक्सीजन लेके जाने वाली नस है उससे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल लीवर के अंदर छोड़ा जाता है और उससे भी पूरे लीवर को रेडिएशन होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो टेस्ट टेर एब्लेजन है वो क्यूरेटिव नहीं होते हैं, वो पैलेटिव मतलब टेम्पररी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसको भी हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जिसको भी हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, उसको ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है एब्लेजन, जिसको जब ट्यूमर छोटी होती है तो उसको जलाया जाता है, उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन या माइक्रोवेव थेरेपी भी बोला जाता है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो ट्यूमर को क्योर कर सकते हैं। तो सर्जरी एंड ट्रांसप्लांट हमारे लीवर कैंसर को क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो एब्लेजन है, एम्बोलाइजेशन है, कीमोथेरेपी, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं वो लीवर को, लीवर की कैंसर को, लीवर के कैंसर की जो ग्रोथ है उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लीवर कैंसर एक डेडली कैंसर है, बहुत सारे इसको जल्दी हमारे पकड़ में नहीं आता है, और जब भी हमें ये पता चलता है तो 10 out of 9 ट्यूमर्स हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। एक या दो पेशेंट रहते हैं कि जिसमें हम सर्जरी या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो टाइम पे इसका टेस्ट करके डिटेक्ट करना ज़रूरी है। यदि आपको इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं तो रेगुलर जांच करके इससे बचना, दैट इज़ द बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन एट प्रेजेंट। सो दोस्तों, लीवर कैंसर के बारे में मैंने बेसिक या शॉर्ट में आपको बताया है। लीवर कैंसर के और भी कुछ वीडियोस हम लेके आएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में हर एक ट्रीटमेंट का हम बताने की कोशिश करेंगे। लीवर कैंसर के बारे में और भी आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।